यस सर, टेंथ राइट, तो टेंथ उन दो से मुझे टेंथ जिस रीड द क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन रीड करो अच्छे से सर। 11th वन भी बताना एक बार। 11th बताऊंगा, पहले 10 स्टार्ट करते हैं ना, प्रायोरिटी वाइज जाते हैं। फर्स्ट 10th वाला रीड करो एक बार। तो 10th वाले में क्या बोला है क्लास, 10th वाले में बोला है कि हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स विल नॉट एक्सीड 7432 इफ दे आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2347 विदाउट रेगुलेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे फोर डिजिट नंबर्स निकाल रहे हैं, फोर डिजिट नंबर्स, 1, 2, 3 और 4, फोर डिजिट नंबर्स। तो ये होगा अपना यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस और ये होगा 1000th प्लेस। कितने ऐसे नंबर्स है, कितने ऐसे नंबर होंगे जो बन रहे हैं आपका किसके साथ, 2347 के साथ, जो 7432 से बड़ा नहीं होगा, विल नॉट एक्सीड 7432। प्लस तो लॉजिकली सोचो ना, आपके पास ये चार नंबर है, 2347, ये चार नंबर है ना, 2347 ये चार नंबर है आपके पास, और बिना रिपीटेशन मतलब एक बार भी कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकली सोचा अगर हमने, तो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा इन चारों नंबर से, सोचो 2347 से सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, अगर इसको कैसे 7432 सबसे बड़ा नंबर ये बनेगा 7432। मतलब क्वेश्चन को ये बताने की जरूरत ही नहीं था कि आपका जो नंबर है वो 7432 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं होगा, वो कंफ्यूज किया सिर्फ हमको, तो हमको नॉर्मली अरेंज करना है उसको। हम लोग को फोर डिजिट नंबर्स बनाना है बाय यूजिंग द डिजिट्स 2347, बाय यूजिंग द डिजिट्स 2347। हमको ये बताने का जरूरत ही नहीं था कि 7432 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं होगा, अगर आप उसको नॉर्मली अरेंज भी करते तो भी 7432 से एक्सीड नहीं होगा वो, क्लियर है। तो ये लाइन बताने का जरूरत नहीं था हम लोग, क्या करना है 2347 से नॉर्मली क्या करना है, 24 आएगा, हाँ 2347 से हम लोगों से क्या करना है, फोर डिजिट नंबर बनाना है। थाउजेंड प्लेस जो है दैट कैन बी फिल्ड बाय फोर वे 2347 में कुछ भी आ सकता है। फिर विदाउट रिपीटेशन बोला है, विदाउट रिपीटेशन बोला है मतलब 100 प्लेस अच्छा, बीच में सिर्फ आप लोग चार्ट पे बात करो, क्योंकि जो बाकी लोग हैं ना उनको शायद डिस्टर्बेंस आएगा, तो चार्ट पे बात करते हैं हम लोग। मैं हर एक को म्यूट कर अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है, पहले मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, बाद में अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता है अनम्यूट करके बात कर लो उससे, जस्ट अ मिनट, बहुत लोग हैं तो म्यूट करने का ऑप्शन मेरे को है नहीं। चलो ठीक है, तो कुछ डाउट है तो प्लीज बीच में पूछ लो, आवाज ज्यादा मत कीजिए क्योंकि बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। आई होप कि सम नंबर 10th सबको समझा रहेगा पक्का, राइट, सम नंबर 10th क्लियर है क्लास। तो अगर आप नॉर्मली भी अरेंज करते हो उसको तो भी ये 7432 से बड़ा नहीं होगा, नॉर्मली भी अरेंज करोगे तो भी ये 7432 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। बात करेंगे सम नंबर 11th, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको नॉर्मली अरेंज करना हूं। बात करेंगे सम नंबर 11th का, सम नंबर 11th, इफ नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6 विदाउट रिपीटेशन, how many of them will exceed 400? ये तो मजेदार सवाल है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 से नंबर्स बना रहे हैं। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 400 से बड़े होंगे, तो देखो 400 से बड़ा मतलब है आपके पास फास्ट नंबर, इसमें तीन केस आएगा, इसमें आएगा थ्री डिजिट नंबर्स,
पहला केस आएगा 3 digit numbers, दूसरा केस आएगा 4 digit numbers, पांचवा केस आएगा, तीसरा केस आएगा 5 digit numbers. चलो गिव अ ट्राई, दो मिनट देता हूँ मैं आपको, सुनो मैं आपको फिर से बता देता हूँ. 2, 3, 4, 5, 6, ये पांच नंबर्स आपके पास, 2, 3, 4, 5, 6. तो आपको 2, 3, 4, 5, 6 से क्या बनाना है, नंबर्स बनाना है जो 400 से बड़े नहीं होंगे. ठीक है, जो 400 से बड़े नहीं होंगे, जो 400 से बड़े नहीं होंगे. तो पहले एक काम करो ना, केस वन क्या रहेगा इसका, इसका केस वन रखो 3 digit numbers with 4 at 100 place. सुना मैं अच्छे से, हम लोग पहले क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे 3 digit numbers with 4 at 100 place. कोशिश करना with 4 at 100 place, क्योंकि 400 से बड़ा चाहिए ना भाई, तो 4 को 100 प्लेस पे रखना पड़ेगा, तभी जाके 3 digit numbers बनाना. ठीक है, केस टू क्या रहेगा आपका, केस टू 4 digit numbers. आई होप किसको पता है 4 digit numbers. और केस थ्री कितना रहेगा, केस थ्री रहेगा 5 digit numbers. तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 digit numbers, राइट? 3 digit numbers मतलब 100, 10 यूनिट. तो यहाँ पे पहले यहाँ फील्ड इन वन वे, तो कीपिंग 4 at 100 place. करो कोशिश, करो, दो मिनट दे रहा हूँ, अच्छा कोशिश करो इसको, बाकी मैं अच्छे से बताता हूँ. फिर इन तीनों का एडिशन कर लेना, तीनों का एडिशन.
कितना आंसर? 252 चेक करते हैं, जान देते थोड़ा। तो ये आपको तो मैंने बता दिया कि हमको क्या चाहिए, हमको 2, 3, 4, 5, 6 से ऐसे नंबर्स तैयार करना है जो 400 से ज्यादा होंगे, जो 400 से बड़े होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले 3-डिजिट नंबर बनाया जो 100 प्लेस पे 4 को रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना यूनिट प्लेस, पेन प्लेस, 100 प्लेस। इसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है, बाकी 4-डिजिट नंबर में तुझे नहीं लगता डिफिकल्टी आएगा, तो 4-डिजिट नंबर तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 5-डिजिट नंबर भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। अब प्लीज पहले 4-डिजिट और 5-डिजिट कर लेते हैं। सो 4-डिजिट में क्या बोला गाइस, कि इफ नंबर्स आर फॉर्मड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6 विदाउट रिपीटेशन, हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड 400। तो इतना तो क्लियर हो गया आपको कि अगर आपको 400 से बड़े नंबर्स चाहिए तो आपको या तो 3-डिजिट नंबर्स मिलेंगे, या तो 4-डिजिट नंबर्स मिलेंगे, या तो 5-डिजिट नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि आपके पास 5 डिजिट है। कितने डिजिट है आपके पास? 5 डिजिट है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग 4-डिजिट नंबर्स निकालते हैं। 4-डिजिट नंबर्स कितना आएगा? दिस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, 3 वेज एंड 2 वेज। सो यहाँ से टोटल कितना आ गया, 120 होगा। अब यहाँ पे जो क्या बोला है, 3-डिजिट नंबर विद 4 एट 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे सिर्फ 4 रखना है, तो 100 प्लेस में फिल्ड इन 1 वे, 100 प्लेस में सिर्फ 4 रखना है, तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। अब एक नंबर यहाँ चला गया, दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वे, और यहाँ दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वे, 12। अब कई सवाल ओरली करते हैं, 400 से बड़े नंबर्स कैसे होंगे, देखो पहले ओरली करो, या तो होगा 4, 2, 3, 4, 2, 5, 4, 2, 6, 3 नंबर हो गए, 4, 3, 2, 4, 5, 6, समझा। ऐसा आप ये 4 को ना चारों से मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग केसेस में, तो आपको 400 से बड़े नंबर्स मिलेंगे। देखो कैसे, एक बार फिर से सुनो, 4, 2, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 6, 3 हो गए, समझा। फिर से देखो, 4, 2, 3, 4, 3, 2, ठीक है, 4, 5, 6, 4, 6, 5, ऐसा हो गया, 4 के साथ हो गया। अभी 5 के साथ करो, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 2, 6, हो गया, ठीक है। और उसके बाद 6 के साथ करो, 6, 2, 3, 6, 2, 4, 6, 2, 5, 6, 4, 5, ऐसे 12 नंबर्स हम लोग को दिख रहे हैं। तो केस में क्या किया हमने, हमने 3-डिजिट नंबर्स विथ 4 एट 100 प्लेस, 3-डिजिट नंबर्स विथ 4 एट 100 प्लेस, 3-डिजिट नंबर्स विथ 4 एट 100 प्लेस। तो उन्होंने 100 प्लेस पे 4 रखा है, 100 प्लेस पे क्या रखा है, 4 रखा है। बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर 3-डिजिट नंबर्स में तो 5 से बड़े नंबर्स, 500 से बड़े भी नंबर आएंगे, 600 से बड़े नंबर भी आएंगे। मेरी बात समझना, मैं जो बोल रहा हूँ मैंने आपको थोड़ा अच्छे से बताना है सब, तो ध्यान देना। इस वाले केस में आपको सिर्फ वही नंबर्स मिलेंगे जो 4 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 4 से जो स्टार्ट होने वाले नंबर से वही मिलेंगे। कौन से, कौन कौन से, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 6, 4, 6, 5, ठीक है, 4, 2, 5, 4, 2, 6, मतलब 4 जो है वो चारों के साथ कितने में अरेंज करेगा, 12 तरीके से, कितने तरीके से अरेंज करेगा, 12 तरीके से, ठीक है। तो ये तो स्टार्ट से 400 से हो रहा है, बट सर 3-डिजिट नंबर में तो 500, 600, 700, 800, 900 वाला भी आना चाहिए, 999 आना चाहिए था। तो हम लोग को अभी यहाँ पे एक और केस लेना पड़ेगा, इसको हम लोग दो पार्ट में करते हैं, केस 1 का फर्स्ट पार्ट। तो केस 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है और केस 2 का सेकंड, केस 1 का सेकंड पार्ट क्या है, दोनों पार्ट इसको दो पार्ट में बाइफर्केट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग 100 को, अगर हम लोग 4 को 100 पोजीशन पे रखते हैं तो सिर्फ 400 वाले नंबर्स मिलेंगे, 400 से 499 वाले। आई होप कि ये तो आपको समझ गया कि 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, एंड यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। यहां से 12 नंबर आएगा। बट जो केस 1 का सेकंड पार्ट है, वहां पे ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे जो 500 से ज्यादा है, 3-डिजिट नंबर्स
more than 500, three digit numbers greater than 500, 500 से बड़े, तो 500 से बड़े कितने नंबर से देखते हैं, 500 से बड़ा मतलब 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज ना, 5 एंड 6, यस टू वेज, एक नंबर यहां से लग गया, फोर वेज, फोर वेज, थ्री वेज, थ्री, 24, कैसे 24, समझ में आ गया, सबको ऐड करो अभी, तो ये हो गया आपका 12, 24, 120, 120, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया, 276, कितना हो गया, ये 24 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, 12 + 24 + 120 + 120, so the answer is finally 276 numbers. तो टोटल नंबर कितना आ गया, 276. अच्छे से देखो, ये सब समझा पाएगा मैं बराबर, मेरे को कंफर्मेशन चाहिए. केस वन, वी आर गोइंग टू कीप फोर एट इट्स 100 प्लेस सो दैट वी कैन गेट ऑल दोस नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 400 टू 499. एंड केस वन का सेकंड पार्ट, वी हैव टू पिक ऑल थ्री डिजिट नंबर्स व्हिच आर मोर देन 500. ग्रेटर देन 500 भले ही बोल रहा हूं, मतलब 500 से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 आना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 500, और सभी 500 बनने का चांसेस नहीं है यहाँ पे, 500 से बड़ा ही बनेगा, ठीक है. सो हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने पहले इस सम को सॉल्व कैसे किया, पांच नंबर है मेरे पास, तो मेरे को बोला गया कि 400 से बड़े नंबर कितने बनेंगे यहाँ पे, तो 400 से बड़े नंबर मतलब 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है, सो 4 डिजिट में और 5 डिजिट में कोई तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि वो नॉर्मली अरेंज करना था, बट 3 डिजिट में तकलीफ हुआ क्योंकि 400 से बड़े नंबर चाहिए थे, तो मतलब आपको 100 से लेके 399 तक स्किप करना था, तो अगर 100 से लेके 399 स्किप करना था, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ट्रिक लगाया और हम लोगों ने सबसे पहले 100 प्लेस पे 4 रख दिया, तो 100 प्लेस पे 4 रखने से क्या हो गया, अभी जो भी नंबर मिलेंगे वो 400 से बड़े ही मिलेंगे, सो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, एंड यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, तो 12 नंबर्स हो गए, 4 से स्टार्ट हो गए तो कितने नंबर्स बनेंगे यहाँ पे, 12 नंबर्स बनेंगे, आप बाइनरली बना सकते हो उसको, बट अभी 4 से स्टार्ट करने से तकलीफ क्या होता है कि 400 से लेके 499 तक ही नंबर्स काउंट होंगे, व्हाट अबाउट नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 499, इधर पे एक और केस बनेगा, 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 500, सो ग्रेटर देन 500 मतलब 5 से स्टार्ट होने वाले और 6 से स्टार्ट होने वाले, सो यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर्स है, सो 100 प्लस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, कौन से 2 वेज बनेंगे, या तो ये 5 रहेगा यहाँ पे, या तो यहाँ पे 6 रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 500 बोला है, तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, ईदर दिस प्लेस कैन बी ऑक्यूपाई बाय 5 और ऑक्यूपाई बाय 6, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, तो एक नंबर चला गया, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, तो आंसर इज 24, सो 12 प्लस 24 इज अ केस 1, 120 इज अ केस 2 एंड 120 इज अ केस 3, सो द क्यूमुलेशन विल बी व्हाट, 276, द आंसर इज 276, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस सम वेरी इजीली, समझ में आया सबको, कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स फास्ट, सबको समझा गया पक्का, एवरीवन अंडरस्टूड, चैट बॉक्स पे कंफर्म करो सबको समझ में आया, एनी मोर डाउट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1, किसी को और कोई समय डाउट है एक्सरसाइज 1 में, सो दैट अदरवाइज वी कैन मूव टू द एक्सरसाइज 2 फास्ट, कुछ डाउट है, हम लोग केस 1 में 4 5 6 डायरेक्ट 3 वेज लिख के 100 में 3 वेज लिख के नहीं कर सकते, देखते हैं ट्राई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 400 से बड़ा मतलब जिसके भी फील्ड है 4 5 6 वेज ना, तो ये हो गया 3 वेज, एक नंबर यहाँ चला गया, ये बनेगा 4 वेज और एक बनेगा 3 वेज, कितना और देखो 36 हो सकता है, अरेंज कर सकते, ठीक है, यस ठीक है, क्यों नहीं किया अरेंज, क्योंकि आपको पहले ये मैंने कुछ सिखाना था कि 400 से बड़े नंबर चाहिए ना, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, पहले मैंने 400 से 499 निकाला, बाद में 500 से 600 वाले जो टर्म्स थे वो निकाले, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हम लोग को 400 से बड़े नंबर चाहिए, तो ऐसा ये वाला भी कर सकते, ठीक है, बट आपको प्रॉपरली इलेबरेट करने आना चाहिए, समझाने आना चाहिए, एक्चुअली मेरे को साथ में करना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे लिखा था ना 3 डिजिट नंबर्स विद 4 एट 100 प्लेस, तो फिर से मैं रिवर्स नहीं जाता, फिर आपको कट करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये वाला करा दिया, तो 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 500, क्लियर है, समझा सर, सर बोलो ना सर, मतलब वो क्वेश्चन रहते हैं कि
एक्सीड एक नंबर से एक्सीड नहीं करना चाहिए ना, तो वो जो नंबर दिए रहते हैं ना वो भी इंक्लूड करना रहता है कि उसको एक्सक्लूड करने का रहता है, वो नंबर को भी इंक्लूड करना पड़ता है। अगर बोल रहा है 7432 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 7432 भी सॉल्यूशन में आएगा, मतलब इसमें 7432 भी काउंट होगा, इससे आगे नहीं जाना चाहिए ना, 7432 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, समझा? यस सर। तो उससे आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब 7433 नहीं होना चाहिए सर। ये सर सबको समझ में आ गया, हटा दो इसको, क्लियर इतना सबको? हटा दे रहा हूँ, कोई डाउट नहीं, और सबको समझ में आ गया? 3.1 पूरा देख लो अच्छे से, 3.1 में कोई डाउट नहीं है? डाउट है 3.1 में कोई और सम आपको लग रहा है आपको सिखाना चाहिए कोई सम? फटाफट, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद 3.2, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट विद 3.2, ध्यान देंगे सब लोग। 3.2 एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, फैक्टोरियल को बहुत जन ऐसा भी लिखते हैं और इसको ऐसा भी लिखते हैं फैक्टोरियल को, हम लोग फिलहाल ये वाले ही करेंगे जो हमारे सिलेबस में लोग करते हैं फैक्टोरियल। तो आपने फैक्टोरियल टर्म से तो बहुत जगह पढ़ लिया आएगा, एन फैक्टोरियल बाइनोमियल थ्योरम करके एक चैप्टर है आपको 11th में, उसमें आपने फैक्टोरियल देखा रहेगा क्या होता है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब कुछ बताऊंगा अच्छे से, टाइम देना। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज फैक्टोरियल? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल and it is denoted by n factorial, so aisa represent karte hain, it is denoted by n factorial, theek hai? Condition ki n hamesha kya hona chahiye, natural numbers, kyunki yahan pe clearly bola hai na the product of first n natural numbers, iska matlab kya hai, isko thoda example ke taur pe samajhte hain। एन फैक्टोरियल कितना होता है इसकी समझो पहले, एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज एन इनटू एन से एक छोटा, तो एन से एक छोटा कितना होगा? एन माइनस वन, इससे एक छोटा कितना आएगा? एन माइनस टू, और छोटा एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर। अब नंबर जो डिक्रीज होगा तो कहां तक जाएगा? वन तक, ठीक है? Factorial is nothing but n into n minus 1 into n minus 2 up to 1 factorial. So how we are going to find, how we are going to split up the factorial? We are going to get the product of that number in the descending order up to 1. हम लोग को 1 से पीछे नहीं जाना है because all these numbers are natural numbers. So 1 इसका limit रहेगा, 1 से आगे नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है? The formula is n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to 1. Example की तौर पे अगर आपको 7 फैक्टोरियल चाहिए तो 7 फैक्टोरियल कैसे निकलता है? 7 फैक्टोरियल इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज अवर 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? दिस इज अवर व्हाट? 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अंडरस्टूड? 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या रहेगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है? तो ये आपके क्या हो गया? फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल एंड इट इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल, कंडीशन एन ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट? एंड द फॉर्मुला फॉर एन फैक्टोरियल इज एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 1। 7 फैक्टोरियल का फॉर्मुला समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, लेट अस लर्न प्रॉपर्टीज। ये आगे चल के बहुत काम में आएगा आप लोगों को, इवन कि आपने थोड़ा बहुत इसको बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़ा हुआ है, इनमें की बहुत सारे सम पे सो किया रहेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन,
तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि आप n फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हो, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब इसको एक नंबर लिख के बाकी पिछले वाले नंबर पर रोक सकते हो. सो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझो 5 फैक्टोरियल लिखना है तो आप 5 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को लिखने से आप 4 फैक्टोरियल लिख दो, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. ना बहुत सारे फॉर्मूलाज है कॉम्बिनेशन के लिए, उसको हम लोग बाद में करते हैं, उसको उसके प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे. फिलहाल आपको यहाँ से दो चीज समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल एंड इट इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल. द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल एंड इट इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल. और हाउ, व्हाट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन फैक्टोरियल, n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to 1. Example ki taur pe agar 7 factorial chahiye to is tarike se likhte hain isko. What is the property, n factorial can also be written as n into n minus 1 factorial. To bahut jo bolenge sir n minus 1 pe hi kyun rok diya, aap usko aage bhi rok sakte ho. N factorial can also be written as n into n minus 1 into n minus 2 factorial. To aap usko kahin pe bhi break laga sakte ho, but jahan pe break lagaoge wahan pe factorial dalna padega. Theek hai, अंडरस्टूड याद लग, ये क्लियर है डेफिनेशन, याद लग सबको समझा एवरीवन. तो ये चीज तो पढ़ा भी था, कुछ नया तो था नहीं हमारे लिए, सबको समझ में आ गया, क्लियर है, चैट बॉक्स पे कंफर्म करो फटाफट, याद लग क्लियर है सबको एवरीवन, सो दैट वी कैन मूव टू द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3.2. एवरीवन अंडरस्टूड, ये तो आपने पढ़ा हुआ भी था क्योंकि आपने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे किए जहां पे इसका यूज होता है, तो इसमें ज्यादा कुछ मेरे को टेंशन लेना नहीं पड़ा. ठीक है, आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज तो बहुत ही इजी इजी एक्सरसाइज है, चिंदी चिंदी सम्स मैं नहीं कराऊंगा, जो बड़े सम्स करेंगे हम लोग. लेट अस सी एक्सरसाइज 3.2. तो एक्सरसाइज 3.2 क्या एक्सरसाइज 3.2 देखो, इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल देन 10 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ क्वेश्चंस है. तो इसको सॉल्व करते बैठते हैं, सबको आता है शायद. फर्स्ट वन बोला है 8 फैक्टोरियल, आपको पता है 8 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई करते बैठो इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होगा. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज आंसर, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना. ठीक है, तो इसके बाद सम नंबर फोर्थ है या सम नंबर थर्ड कर लेते हैं, फोर्थ तो इजी है. सम नंबर थर्ड क्या देखो, 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान देना सब लोग, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सिंपलीफाई करना है इसको. कैसे देखो, 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, तो आप क्या करो पहले 10 फैक्टोरियल को ऐसा लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे रोक दो उसको, माइनस 6 फैक्टोरियल. ठीक है, तो अगर हमने 6 फैक्टोरियल यहाँ पे कॉमन निकाला तो कितना बचेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और ये माइनस 1. ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये कितना हो जाएगा, 9 8s आर 72, 72 इंटू 7. आई होप कि लोगों को आता है सॉल्व करने, ये आपका काम है. ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लोगे आप लोग. ठीक है, तो 10 9s आर 90, 90 8s आर 720, 720 into 7, 490, 5040, 5040 में से 1 निकाल दिया. ठीक है, सिंपलीफाई कर लो इसको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझ में आ रहा है सबको पक्का, क्लियर है. 8 फैक्टोरियल इज व्हाट, 8 से लेके 1 तक मल्टीप्लिकेशन करना है. 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल क्या रहेगा, 10 फैक्टोरियल विल बी 10 से लेके 6 फैक्टोरियल तक गए माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाला क्या बचेगा अंदर, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1.
सिक्स फैक्टर को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना होता है 5040, ये कितना होता है माइनस 1. सो आंसर आएगा आपका दिस इंटू 5039. क्लियर है, अंडरस्टूड? बोलो क्वेश्चन नंबर 1 समझा? हाँ चैट बॉक्स पे कंफर्म करो फटाफट, कर लोगे इसको सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लोगे इसका? आएगा सबको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने पक्का? स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 से एक जो सम सिखा के मूव करता आगे. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहे हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा हार्ड वाला सेंस करेंगे, इजी वाला नहीं करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2 में मैं 6th वाला कराता हूँ, 8th वाला कराता हूँ. 6th वन और 8th वन. 6th वन क्या है देखो, 6th वन है 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ये है ना कौन सा 6th वन, 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. तो गाइस क्या करो ना, पहले 6 फैक्टोरियल को लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, माइनस 4 फैक्टोरियल ऐसे रहने दो और नीचे लिख दो 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो आप, कितना आएगा आंसर 6 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. ठीक है, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 5 जा 30, 30 माइनस 1 कितना आएगा 29, तो इसका आंसर कितना आएगा 29. इजी, ये सम तो अच्छे समझ में आया. अब बात करेंगे हम लोग 8th वाले का. तो 8th वाला सम क्या है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 8th सम क्या है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल. ठीक है, कितना आ जाएगा ये 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइड करो इसको कितना आ जाएगा ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल हट जाएगा आपको. ठीक है, क्या बचेगा, सीधे बचेगा आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो दिस विल बी फाइनल आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएंगे. ठीक है, इजी सम एकदम. क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का 6th कराया और 8th कराया मैंने, मेरे को लगता है दोनों बहुत इजी है, 6th और 8th. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे बोला गया है राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल. सो इसमें मैं 2 सम सिखा रहा हूं, 1 सम मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे. आई होप कि ये सबको समझ में आ रहेगा अच्छे से. ठीक है, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, एकदम इजी सी टॉपिक है, तो इसलिए फटाफट उड़ा रहा हूं. We'll move to question number 3 now. So question number 3 क्या बोल रहा है? Question number 3 बोल रहा है write the given in terms of factorial. Write in terms of factorial. ठीक है? The first question है वहाँ पे. Write in terms of factorial. First question है 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10. 5 से लेके 10th लगे, 5 6 7 8 9 10, कितना दिया है 5 6 7 8 9 10. अगर आपको इस नंबर को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है तो ये नंबर 1th तक जाना चाहिए था. तो पहले एक काम करो, पहले क्वेश्चन लिख लिया आपने 5 6 7 8 9 10, इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 लिख लिया. अब अगर आप ऊपर फैक्टोरियल बनाना चाहते हो तो आपको ये नंबर को 1th तक खींचना पड़ेगा, प्लीज ध्यान देना अच्छे से. तो इस नंबर को अगर 1th तक खींचा हमने तो क्या डाल रहे हैं हम लोग खुद से, 4 डाल रहे हैं, फिर क्या डाल रहे हैं 3 डाल रहे हैं, फिर क्या डाल रहे हैं 2 डाल रहे हैं, और फिर क्या डाल रहे हैं 1 डाल रहे हैं. तो अगर ये 4 नंबर आपने ऊपर खुद से लिया है तो नीचे भी लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए. तो 4 × 3 × 2 × 1 क्लियर है? तो गाइस अगर मैं ऊपर देखूं तो 10 से लेके 1 लगे तो ऊपर क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल और नीचे कितना लिख सकता हूं मैं 4 फैक्टोरियल. ठीक है, सो वी हैड राइट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल. ठीक है, नाउ ट्राई द सेकंड वन बाय योर ओन.
एक काम करो, सेकंड तो आप लोग कर ही लोगे, इजी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे थर्ड वाला करके दिखाऊं, कोशिश करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 6 × 7 × 8 × 9, 6 × 7 × 8 × 9, ठीक है? चलो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा इसका आंसर, गिव मी द आंसर फॉर द थर्ड वन। चैट बॉक्स पे चाहिए मेरे को आंसर, जल्दी चैट बॉक्स पे आंसर चाहिए, आराम से निकालो। सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन, ठीक है? तो अगर इसको उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो कितना आएगा, 9 × 8 × 7 × 6, फैक्टोरियल में खींचने के लिए 5, 4, 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना होगा तो नीचे भी करना होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा फाइनली सबको समझा रहेगा। आंसर इज 9 × 5, ठीक है? आंसर इज 9 × 5, अंडरस्टूड? सबको आ रहेगा पक्का ये। राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, तो इस तरीके से लिखना उसको, ठीक है? मूव करते हैं आगे। बात करेंगे फोर्थ सम का, तो फोर्थ सम क्या है, फोर्थ सम है 5 × 10 × 15 × 20, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 × 10 × 15 × 20, ठीक है? 5 × 10 × 15 × 20 कैसे करेंगे इसको, हर एक नंबर में से आप लोग क्या कर सकते हो, 5 कॉमन निकाल सकते हो। कैसे देखो, अगर मैंने 5 कॉमन निकाला गया तो सोचो लॉजिकली इधर क्या बचेगा, 1। अच्छा कॉमन नहीं निकलेगा 5, मैं बता रहा हूँ क्यों निकलेगा, 5 × 4 आएगा। हाँ वही बता रहा था, तो ये इसको लिखेंगे हम लोग 10 को 5 × 2, 15 को लिखेंगे 5 × 3 और 20 को लिखेंगे 5 × 4। हम लोग 5 कॉमन नहीं निकाल सकते, प्लस और माइनस नहीं है, तो 5 को कॉमन निकालो, 1, 2, 3, 4, 4 बार 5 कॉमन निकलेगा तो 5 × 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा फिर 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है? सो दिस द आंसर इज 5 × 4 × 4 × 4, दिस इज द आंसर 5 × 4 × 4 × 4, the answer is 5 × 4 × 4 × 4, understood, clear, पक्का? Yes. Yes. मुझे लगता है question number 3 तक सबको समझ में आया, I will see question number 4, it's question number 4, एक सम सिखाऊंगा सी, बाकी बहुत easy है सब, मैं question number 4 में हमको बोला गया है, evaluate, what to evaluate, evaluate n factorial divided by r factorial ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, इस फॉर्मुला को थोड़ा अच्छे से बाहर ऐड करो, क्योंकि आगे जब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका फॉर्मुला ही है, n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला है, n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, इसलिए इसने हमने पहले ही पूछ दिया कि इसको कैसे इवेल्यूएट करते हैं। तो n मैंने आपको कल बताया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, तो n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इसमें हम लोग को क्या करना है, इवेल्युएट करने बोला है इसका वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे सम नंबर फर्स्ट ले लू समझाने के लिए, तो फर्स्ट सम क्या बोल रहा है मेरा, n का वैल्यू 8 है और r का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 8 है और r का वैल्यू 6 है, ठीक है? n का वैल्यू 8 है और r का वैल्यू 6 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 8 − 6 फैक्टोरियल, ठीक है? तो सॉल्व किया कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है? तो आपको पता है कि आप 8 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 2 × 1, क्लियर है आपको?
6 factorial कैंसिल 2 1 2 4 4 7 का कितना आएगा 28 आई होप कि हमको समझ में आया कि इस फॉर्मूला को इवैल्यूएट कैसे करते हैं सो n factorial अपॉन r factorial ब्रैकेट n माइनस r factorial ये आगे चल के चैप्टर में आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनने वाला है सिर्फ n का वैल्यू क्या दिया 8 r का वैल्यू क्या दिया 6 पुट किया एक्सपांड किया और सॉल्व किया तो वी गॉट द आंसर एज 28 इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है मेरे को लगता है कि बाकी सब आराम से कर लोगे इसमें ठीक है टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव टू द क्वेश्चन 0 factorial 1 होता है ना कुछ डाउट है इसमें कुछ पूछना है कुछ पूछना है कुछ डाउट है आपको नहीं ना ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 5 पे मतलब क्वेश्चन नंबर 5 6 सब मेन सम स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम क्या रहेगा क्वेश्चन n upon 8 factorial is equal to 3 upon 6 factorial plus 1 factorial upon 4 क्या लिखा है plus 1 factorial upon 4 factorial ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में बोला गया है find the unknown variable value right we need to find n हमको n ढूंढना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो बहुत अच्छे से ध्यान दो क्योंकि आगे वाला सम आपका रहेगा ठीक है सो हम लोग को ना क्या करना होगा गाइस हम लोग को डिनोमिनेटर से फैक्टोरियल गायब करना होगा हमको n चाहिए तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है सबसे छोटा फैक्टोरियल बनाओ मतलब सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है तीनों में 4 फैक्टोरियल तो 8 फैक्टोरियल को मैं 4 फैक्टोरियल तक लेके आ सकता हूँ 6 फैक्टोरियल को भी मैं 4 फैक्टोरियल तक लेके जा सकता हूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो सो n डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम लोग 8 × 7 × 6 या तो एक काम करो ना ये 8 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नहीं लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो अच्छे से मैं इसको लिख रहा हूँ n अपॉन 8 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल समझा इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या है 3/6 फैक्टोरियल अब अगर इस वाले को भी 6 फैक्टोरियल बनाना है तो इसको 6 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 फैक्टोरियल को अगर मैंने 6 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 6 फैक्टोरियल बट ऊपर जो 1 फैक्टोरियल था उधर क्या आएगा 6 × 5 अगर आपने नीचे 6 × 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 6 × 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होप यू गॉट इट एवरीवन अंडरस्टूड ये समझा सबको पक्का तो अभी कॉमन डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल आ जाएगा ठीक है देख लो अच्छे से 8 फैक्टोरियल को क्या बनाया मैंने 8 फैक्टोरियल को बनाया 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल फिर 6 फैक्टोरियल को मैंने सेम रखा फिर 4 फैक्टोरियल को भी मैंने 6 फैक्टोरियल बनाया कैसे 6 और 5 से मल्टीप्लाई करके तो नीचे 6 और 5 से मल्टीप्लाई करके तो ऊपर भी 6 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है कितना हो जाएगा आपका आंसर यहां पर n फैक्टोरियल अपॉन 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल आप यहां से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हो ठीक है तो कितना बचेगा अंदर 3 प्लस 6 × 5 = 30 क्लियर है ये 6 फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा n अपॉन 8 × 7 इज इक्वल टू 3 + 30 इज व्हाट 33 3 + 30 कितना हो जाएगा 33 एंड कितना होएगा 8 × 7 56 × 33 कितना जाएगा ये 56 × 33 मल्टीप्लाई करो इसको कितना आएगा 56 × 33 56 1680 150 और ऐड किया उसमें तो 1830 और अल्ट्रा ऐड किया 1848 आंसर इज 1848 अंडरस्टूड पक्का समझा चलो ये वाला ट्राई करो इसका इसका फोर्थ वाला ट्राई करो आई होप कि आपको समझ में आए इतना पक्का ट्राई द थर्ड वन फर्स्ट थर्ड वन ट्राई करो थर्ड क्वेश्चन क्या है 1 factorial upon n factorial 1 factorial क्यों लिखते पता नहीं 1 factorial तो 1 ही होता है तो 1 factorial upon n factorial इज इक्वल टू 1 factorial upon n factorial इज इक्वल टू 1 factorial डिवाइड बाय 4 factorial
माइनस फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल निकालो ये. सो वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल. मेरे को इसमें एन का वैल्यू चाहिए थर्ड वाले में. आराम से करो. वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल. सॉल्व इट फास्ट. आराम से करके आंसर चाहिए. यू विल ट्राई एट लीस्ट. एन का क्या वैल्यू आएगा देखो. एन चाहिए अगर तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट होना चाहिए तभी जाके एन मिलेगा, अदरवाइज एन नहीं मिलेगा. ठीक है, यू विल ट्राई. जल्दी आंसर लिखो चैट बॉक्स पे जो भी आएगा. वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल. हम लोग को डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो फोर फैक्टोरियल को फाइव फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करेंगे, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे. तो वन फैक्टोरियल तो वन होता है, ऊपर फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल माइनस फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल कितना हो जाएगा. ये हो जाएगा वन अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल कॉमन फाइव माइनस फोर वन वन होता है. बाय इनवर्टेंट वी गॉट एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल. वेरी सिंपल सम. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव भी आप लोग कर लोगे आराम से. टेक दिस. अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव है, मेरे को फिफ्थ सम सिखाना पड़ेगा. स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट. टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. अभी सेकेंड लेक्चर कौन सा आपका? फिजिक्स ग्रेविटेशन. फिजिक्स 8:30 को स्टार्ट होगा क्या एग्जैक्ट? 9. ओके ओके, तो मैं 5 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा आगे कंटिन्यू करने के लिए. तो ध्यान देना थोड़ा अच्छे से. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है अपना? फिफ्थ सम देखो. फिफ्थ सम है अपना 9 + 3 factorial इज इक्वल टू 110 इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल. देखो फैक्टोरियल हमेशा ना पीछे की तरफ जाता है, इट ऑलवेज गोज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, सो एन प्लस थ्री फैक्टोरियल को मैं एन प्लस वन फैक्टोरियल तक खींच सकता हूँ. एन प्लस थ्री फैक्टोरियल को मैं एन प्लस वन फैक्टोरियल तक खींच सकता हूँ. जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा एन प्लस थ्री फिर एक नंबर कम कर दिया तो कितना हो जाएगा एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन फैक्टोरियल. यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ. अब मेरे को नहीं पता आगे कितने नंबर्स कम होंगे, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा n प्लस वन पे रोकना पड़ा. कैसे आप 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखते हो, वैसे n प्लस 3 फैक्टोरियल को मैं अगर डिक्रीज करता हूँ तो n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 110 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल. सो n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैंने दोनों बाजू से कट कर दिया. सो व्हाट वी गॉट n प्लस 3 into n plus 2 is equal to 110. Now, आपको पता है कि ये दो जो numbers है ये consecutive numbers है, एक के बाद एक. मतलब अगर ये 7 रहेगा तो ये 6 रहेगा,
अगर ये 10 रहेगा तो ये 9 रहेगा. तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका जो नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव हो और जिनका प्रोडक्ट 110 आता है. कौन सा नंबर्स ऐसे? 11 into 10 को लिख सकता हूं मैं 11 into 10. ठीक है. सो बाय ऑब्जर्वेशन क्लियरली समझ में आता है कि ये होगा 11 और ये होगा 10. सो बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन से दैट. सीधा लिखने का बाय ऑब्जर्वेशन दैट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग क्या लिखेंगे? बाय ऑब्जर्वेशन. हमको समझ गया कि n प्लस 3 का वैल्यू 11 है और n प्लस 2 का वैल्यू 10 है. सो n प्लस 3 का वैल्यू कितना आएगा? 11 आएगा. एंड देयरफॉर यू कैन से दैट n कितना आएगा आपका? 8. सो n इज इक्वल टू 8. ठीक है. अंडरस्टूड क्लास? समझ में आया आपका? n इज इक्वल टू 8. अंडरस्टूड? नाउ द क्लास सम और वाइंड अप करते हैं. इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट. विल सी द लास्ट सम. डन. स्क्रीनशॉट. We'll talk about question number 6, जहाँ पे हम लोग से क्या मांगा है? Again, find n. Question number 6 में क्या बोला गया है? Find n. ठीक है? तो इसमें solve करेंगे हम लोग sum number first. बाकी आप लोग खुद से try कर सकते हो, मुझे तो लगता है. First sum पे ध्यान देना. क्या है first sum आपका? 17 minus n factorial divided by 14 minus n factorial is equal to 5 factorial. 17 minus n factorial upon 14 minus n factorial is equal to 5 factorial. ये अपना क्वेश्चन है. ठीक है. अब हम लोग को पता है कि 17 minus n बढ़ा है कि 14 minus n बढ़ा है. किसी को भी डाउट आता है ना, सो n को एक गेस कर लेने का. n को 3 ले लेते हैं. अगर मैंने n को 3 पुट किया तो 17 minus 3 14 factorial. 14 माइनस 3 11 फैक्टोरियल. तो ऊपर बढ़ा रहा है, नीचे छोटा रहा है. मतलब ऊपर वाले नंबर को मैं हाथ लग खींच के ले जा सकता हूँ. अभी 17 माइनस n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17 माइनस n में से एक निकाल दिया तो 16 माइनस n, फिर एक निकाल दिया तो 15 माइनस n, फिर एक निकाल दिया तो 14 माइनस n फैक्टोरियल. तो ऊपर वाले नंबर को ना डिनोमिनेटर में लिख जाते हैं. कैसे हो जाएगा ये? कैसे हो जाएगा ये? हो जाएगा 17 माइनस n पहला. दूसरा क्या आएगा? एक कम कर दिया तो कितना आएगा? 16 माइनस एन. फिर एक और कम कर दिया कितना? 15 माइनस एन. फिर एक और कम कर दिया कितना? 14 माइनस एन. इससे ज्यादा कम मत करो. 14 फैक्टोरियल. ये 14 माइनस एन फैक्टोरियल. ठीक है. और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? 14 माइनस एन फैक्टोरियल. ठीक है. और आर एच एस में कितना आपका? 5 फैक्टोरियल. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है. 14 माइनस n फैक्टोरियल 40 माइनस n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. कितना बचता है गाइस यहां पे? 17 माइनस n इनटू 16 माइनस n इनटू 15 माइनस n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 20. देखो आपको फैक्टोरियल थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे. 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल तक याद करो तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है. 2 फैक्टोरियल आपको मिलेगा 2. 3 फैक्टोरियल मिलेगा 6. 4 फैक्टोरियल मिलेगा आपको 24. 5 फैक्टोरियल मिलेगा 120 और 6 फैक्टोरियल मिलेगा आपको 720. तो कम से कम 6 फैक्टोरियल तक तो आपको याद करना है. ठीक है. ये मिनिमम याद करके रखना. तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया? 120. और यहाँ पे तीन नंबर्स और तीनों की तीनों कॉन्जिक्यूटिव है और 120 भी एक ऐसा नंबर है जो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए. तो वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस. इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे. मेरे को लगता है 6 into 5 into 4 आ रहा है. देखो 6 5 जा 30, 30 4 जा 120. ठीक है. इसको अगर मैंने देखो ये तीनों नंबर कॉन्सिक्यूटिव है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्सिक्यूटिव आना चाहिए. कितना हो जाएगा ये? जो हो जाएगा 17 माइनस n इनटू 16 माइनस n इनटू 15 माइनस n व्हिच इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 120 को 8 सॉरी 6 इनटू 5 इनटू 4 ये लिखेंगे ना. 6 इनटू 5 इनटू 4 तो 17 माइनस n इनटू 16 माइनस n इनटू 15 माइनस n कैन बी रिटन एज 6 into 5 into 4. सीधा हो गया. तो बाय ऑब्जर्वेशन हमको समझ में आ गया. देखो ये नंबर बड़ा है, पहले बड़ा नंबर लिखना. सो बाय ऑब्जर्वेशन वी आर क्लियर दैट जो फर्स्ट नंबर है आपका 17 माइनस n दैट इज इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर सॉल्व करके कितना आएगा? 17 माइनस 6 तो कितना आ गया आपका पहला n? 11. तो द आंसर इज 11. समझ में आया?
अब फटाफट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक चेक करो और बोलो कौन सा सम नहीं आएगा, आपको मैं सिखाऊं, अदरवाइज उतना आपको होमवर्क रहेगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 से कल मैं स्टार्ट करूंगा, बट मेरे को ये बताओ एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सब आएगा आपको, देख के बताओ फटाफट। यस, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 पूरा आएगा, होमवर्क कर सकते हो आप लोग पक्का। तो आज जो भी सम सीखा है वो सबको समझ में आया पक्का? एवरीवन आज जो भी सम सीखा वो क्लियर है सबको? एवरीवन यस यस। हम लोगों ने आज पहले हम लोगों ने 3.1 के दो सम्स किए, 7432 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकली देखा तो 7432 बड़ा होगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास वो नंबर ही नहीं जो 7432 से बड़ा देंगे। तो नॉर्मली उसको अरेंज करना था जिसका आंसर 24 आया, फिर उसके बाद बोला था आपको नंबर्स बनाने हैं 2, 3, 4, 5, 6 को लेके जो 400 से बड़े होने चाहिए। 400 से बड़े मतलब 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट सब आता है उसमें, वो भी आपको मैंने अच्छे समझाया। फिर फैक्टोरियल स्टार्ट किया हमने, फैक्टोरियल का होता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज द फार्मूला? एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इनटू एन माइनस 1 इनटू एन माइनस 2 अप टू एन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? एन फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज एन इनटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एग्जांपल 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 5 इनटू 4 फैक्टोरियल। और फिर बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सम सॉल्व किए। तो बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? नो डाउट पक्का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 ले आपका होमवर्क रहेगा ऑफ एक्सरसाइज 3.2। और 3.1 देख लो कुछ अच्छे से सब समझ में आया, कोई डाउट पूछना चाहते हो आप? क्लियर है इतना एवरीवन? पक्का एवरीवन?